जय श्री कृष्णा, स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? हम अलग अलग चीज़ों पर अलग अलग समय पर बातें करते हैं। आज मैं आपको आपकी बॉडी में एक ऐसा संकेत बताने वाली हूँ जिससे आपको स्वयं पता चलेगा कि आपकी कुंडली के अंदर आपका शुक्र कैसा है। लेकिन ये जानने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। आपकी सारथी हूँ इसीलिए आपको बहुत बारीकी से चीज़ें बताने चली आती हूँ। नाभि के ऊपर या नाभि के आसपास अगर आपके तिल होता है तो ये एक बहुत अच्छे शुक्र का सूचक होता है। नाभि के आसपास शुक्र का बलि होना दिखता है, क्योंकि शुक्र अगर आपकी कुंडली के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा होगा तो वो आपके अंदर आकर्षण बनाएगा। और आकर्षण के लिए हमारी बॉडी में नाभि से अच्छा कोई और तत्व होता ही नहीं है। बॉडी के अंदर जितनी खूबसूरत नाभि होती है उतना ही खूबसूरत इंसान का शुक्र उसकी कुंडली में होता ही होता है। वहाँ पे अगर तिल हो जाए तो ये तो सोने पर सुहागा हो जाता है। ब्रेस्ट पर तिल होना ये भी अच्छे शुक्र की निशानी होता है। अगर आपकी बॉडी पर थाई पर तिल है तो भी ये अच्छे शुक्र की निशानी होता है। शुक्र हमारे जीवन में आकर्षण देते हैं, प्रेम देते हैं, विलासता देते हैं, परंतु साथ ही साथ में शुक्र हमारे जीवन में ज्ञान भी देते हैं। शुक्र अच्छा होगा तो औरत बहुत समझदार होगी, आपको एक बहुत कुशल गृहिणी मिलेगी, सर्वगुण संपन्न जिसे कहते हैं, एक ऐसी गृहिणी जो अपने साथ साथ अपने घर को भी बहुत सहेज कर रखेगी। घर को सजाना, घर की छोटी छोटी चीज़ों के साथ में प्रेम करना, घर की एक छोटी से छोटी चीज़ों को पोछते रहना, साफ करते रहना, ये उस गृहिणी की विशेषता होगी। अगर पुरुष की कुंडली में शुक्र अच्छा होगा नो डाउट अट्रैक्शन बढ़ेगा, लेकिन वो पुरुष आपको कभी भी छोड़कर जाने वाला पुरुष नहीं होगा। वो पुरुष कभी भी आपके लिए पीछे हटने वाला पुरुष नहीं होगा। वो अगर दिल से आपसे प्रेम कर लेगा तो उसके प्रेम का कोई भी अंत नहीं होगा। सागर जितना गहरा प्रेम किसी के अंदर हो सकता है तो उसका शुक्र अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। शुक्र ग्रह अगर अच्छा नहीं है तो आपके जीवन में झिलझिलाहट आने लगती है, इरिटेशन होने लगती है, आपको छोटी छोटी बातों से दिक्कत होने लगती है, छोटी छोटी चीज़ें आपके जीवन के अंदर आपको बेचैन करती है, परेशान करती है, आपको बात बात पे रोना आता है, बात बात पर आपको अपने जीवन से उदासी आने लगती है, आपको ये लगता है आप कुछ बचा ही नहीं है, बस काट रहे हैं, ज़िंदगी जैसे कट रही है। नहीं, जिनका शुक्र अच्छा होता है वो ज़िंदगी काटते नहीं हैं, ज़िंदगी को जीते हैं, ज़िंदगी के साथ प्यार करते हैं, ज़िंदगी को लेकर हमेशा खुश रहते हैं। आपका शुक्र अच्छा नहीं है तो आप ये उपाय ज़रूर कर लिया कीजिए। शुक्रवार के दिन आप नहाने के पानी में थोड़ा सा इत्र डालकर नहाया करिए। शुक्रवार के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान ज़रूर करा करिए। शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र ज़रूर पहना करिए। शुक्र अच्छा नहीं है तो आपको बहते हुए जल के अंदर 5.25 रत्ती का जरकिन बहा देना चाहिए। शुक्र अच्छा नहीं है तो आपको नाक हमेशा छिदवा कर रखनी चाहिए और उसके अंदर आपको एक जरकिन पहनकर ज़रूर रखना चाहिए। शुक्र अच्छा नहीं है तो आपको अपनी नाभि पर इत्र ज़रूर लगाना चाहिए। शुक्र अच्छा नहीं है तो शुक्रवार के दिन अपनी पीठ पर हल्दी और जौ को मिलाकर उपटन बनवाकर ज़रूर लगवाइए। शुक्र अच्छा नहीं है तो अपने सिर के अंदर सफ़ेद चंदन का टीका ज़रूर लगाइए, एकदम बीचम बीच लगाइए, इससे आपका शुक्र अच्छा होता है। अगर शुक्र बहुत ही ज़्यादा आपके लिए नकारात्मक हो रहा है तो शुक्रवार की रात्रि को एक नींबू अपने सिरहाने के पास रखकर सो जाइए। शनिवार को सुबह उठकर उस नींबू के 4 फाड़ी करके चारों दिशाओं में डाल दीजिए, सबसे पहले पूरब, फिर पश्चिम, फिर उत्तर, फिर दक्षिण।
शुक्र अच्छा नहीं है तो आपको हमेशा मिट्टी के कसोरे के अंदर दही जमा कर शुक्रवार की शाम को चौराहे पर रखाना चाहिए। करके देखिएगा, जीवन में बदलाव ज़रूर आएगा। माँ दुर्गा का स्मरण करिए, माँ दुर्गा का पाठ करिए। रिश्तों में अगर प्रेम नहीं है तो दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य रूप से करिए। माँ की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, इसके लिए सुहागन स्त्रियों को माँ के ऊपर सिंदूर टाइम टू टाइम ज़रूर चढ़ाना चाहिए। सुहागन स्त्रियों को पूर्णिमा और शुक्रवार के दिन माँ का श्रृंगार माँ के मंदिर में ज़रूर चढ़ाना चाहिए। स्त्रियों को पूर्णिमा वाले दिन अपने हाथों पर भी थोड़ी सी मेहंदी लगानी चाहिए और पार्वती माँ के मंदिर में जाकर उनकी मूर्ति पर भी लगाकर आनी चाहिए। करके देखिएगा, शुक्र अच्छा हो तो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपकी कुंडली में बैठा शुक्र आपके साथ क्या कर रहा है, अच्छा या बुरा, प्रेम दे रहा है या प्रेम छीन रहा है, पिछले जन्म के रिश्तों को इस जन्म में मिलाने की कोशिश कर रहा है या पिछले जन्म के बिछड़े रिश्तों को इस जन्म में वे फिर बिछड़ा रहा है। जानने के लिए आप मुझे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेकर आप अपनी कुंडली या टैरो के माध्यम से अपने जीवन की छोटी से छोटी बारीक से बारीक चीज़ों का ज्ञान हमसे प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, लेकिन उससे पहले अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा और मुझे याद ज़रूर करिएगा। लव यू ऑल ऑट, जल्द मिलेंगे, जय श्री कृष्ण। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में PhD माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं लव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपनी भविष्यवाणियों के जरिए माँ त्रिशला लोगों को करियर, बिजनेस, प्रेम संबंधी, शादी में बाधा, कोर्ट केसेस और शत्रु बाधा, वशीकरण, वास्तु दोष आदि समस्याओं का सही निवारण बताती हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है। आपके संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा विशेष उत्सवों एवं संस्कारों पर किए जाने वाले संगीतमय मंत्रोच्चारण द्वारा अनुष्ठान, हवन, पाठ आदि कर्मकांड मन मोह लेने वाले होते हैं। माँ त्रिशला लाखों लोगों को ऑनलाइन सर्विसेज के जरिए उनकी समस्याओं का प्रभावशाली निराकरण कर रही हैं। आप अपनी सारथी माँ त्रिशला से वेबसाइट www.astrotrishla.com पर या फेसबुक के माध्यम से जुड़कर ऑनलाइन भी कंसल्टेशन ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए जुड़े और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो त्रिशला या डायल करें 9828923301 पर।